करसियांग एक छोटा सा हिल स्टेशन है जो कि दार्जिलिंग के क्षेत्र में आता है। यहाँ का मौसम 12 महीने सुहाना रहता है जो सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है और बहुत से सैलानी हर साल यहाँ पर घूमने आते हैं। यहाँ का मौसम जितना मनमोहक है उतना ही वहाँ पर हुए हॉन्टेड घटनाएं लोगों में दहशत भी फैलाती है। करसियांग में दो जगह है, एक विक्टोरिया बायस स्कूल और उसी से सटा हुआ डो हिल जंगल। लोकल लोगों का कहना है कि स्कूल के बंद होने के बावजूद उसमें लड़कों के खेलने की, चलने की और भयानक चीखें अक्सर सुनाई देती हैं। इसी के पास डो हिल जंगल है जहां कई मर्डर भी हुए हैं और अननेचुरल डेथ होने की वजह से वहां पर अक्सर कोई जाना पसंद नहीं करता है। वहां पर अक्सर कोई ना कोई इंसान की चीखने की आवाज़ें आती रहती हैं। ये अननेचुरल डेथ होने की वजह से आज तक उन लोगों का पता नहीं है। यहाँ पर सुसाइड की घटना भी बहुत ज़्यादा हुई है। ये जंगल अपने आप में कई राजाओं में सिमटा हुआ है। ये जंगल इतना घना है कि दिनों में आप इसे देख ही नहीं पाओगे, इसमें कई दिन लग जाएंगे आपको पूरा जंगल देखने में। ये जंगल बहुत ज़्यादा घने हैं। जहाँ पर एक रोड है जो कि डोल हिल जंगल में फॉरेस्ट ऑफिस तक जाती है, जिसे डेथ रोड भी कहा जाता है। यहाँ पर लोग अक्सर एक लड़के का भूत देखा करते हैं जिसका सर नहीं है। एक दिन एनी को डो हिल के बारे में पता चलता है और वो इंडिया आती है डो हिल की सच्चाई पता करने के लिए, किंतु उसे क्या पता था कि वह मौत को गले लगाने जा रही है। एनी हॉन्टेड जगहों पर जा कर उसके हॉन्टेड होने या ना होने की सच्चाई कैमरों में कैद करके सोशल मीडिया पर डाला करती थी। एनी अपनी खोज रात को ही करती थी, लेकिन क्योंकि वो दिन को ही करसियांग पहुंच गई थी तो उसने लोकल लोगों से डो हिल के बारे में पूछना शुरू कर दिया ताकि उसे अपनी कहानी लिखने में या लोगों को बताने में थोड़ी मदद मिल सके। इसलिए वह अच्छी तरह से लोगों से पूछताछ करती है। उसके सामने कई तरह की स्टोरीज आती हैं जिसे सुनकर वह हैरान हो जाती है, उसकी रूह काम जाती है। एनी ने नोटिस किया कि डो हिल के बारे में पूछते हैं तो लोगों के चेहरों के रंग ही उड़ जाते हैं। एक आदमी ने तो उसे ये भी बताया कि वो कभी उस सर कटे लाश को नहीं देख पाएगी और वो उसे वापस लौटने जाने के लिए उसे कह देता है। ये सुनकर एनी होटल चली जाती है और जैसे ही शाम होती है एनी निकल पड़ती है लोगों के बताए हुए डेथ रोड पर और अपना कैमरा साथ रख लेती है ताकि वह उस कटे हुए सर वाले बच्चे को देख सके। अचानक जब वह उस रोड पर जाती है उसे क्या पता था कि उसके साथ वह हादसा हो सकता है, इसलिए लोगों ने उसे जाने के लिए पहले ही कह दिया था, किंतु वह कहाँ किसी की सुनने वाली थी। तो वह वहाँ पर उस रोड पर जब पहुँचती है तो उसे अचानक से बहुत ज़्यादा कोहरा महसूस होता है। उसे अचानक से ठंड भी लगने लग जाती है। वो और वह हैरान हो जाती है कि अचानक से इतनी ठंड कैसे बढ़ सकती है। तभी उसे लोगों के द्वारा बताई हुई बातों पर यकीन होने लग जाता है। एनी अपने कैमरे में उस जगह के बताए हुए रास्ते पर पहुंच जाती है और वहीं पर आगे बढ़ रही होती है। उसका पैर किसी चीज़ से टकरा जाता है और वह गिर पड़ती है। एनी को लगा वो शायद रास्ते में पड़ी हुई किसी लकड़ी या पत्थर से टकराई होगी, लेकिन वो जैसे ही उठकर पीछे मुड़ती है तो उसने देखा उसके पैर किसी पत्थर से नहीं बल्कि किसी पैर से ही टकराए थे और देखते ही देखते वो पैर जंगल की ओर चले जाते हैं, जैसे कि किसी ने उसे खींच के जंगल के अंदर ले लिया हो। एनी इतना समझ ही गई कि डो हिल की हॉन्टेड होने का टैग मिला है वो सच है। अब एनी को डर लगने लग गया था, लेकिन उसकी छानबीन अभी पूरी नहीं हुई थी। किसी तरह से हिम्मत जुटाकर वो डेथ रोड पर आगे बढ़ रही थी। अचानक एनी के सामने से एक बूढ़ी औरत रोड क्रॉस करके जंगल में चली जाती है। एनी भी चुपचाप बिना कोई आवाज़ किए उस औरत के पीछे ही चलने लग जाती है। वो सब कैमरे में कैद कर रही थी। चलते चलते उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अचानक उसके कानों में कोई आवाज़ आती है, एनी वापस चली जाओ। ये सुनते ही एनी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन उसकी तलाश थी उस सर कटे बच्चे की। लेकिन उसे क्या पता था कि वह जो हिम्मत जुटा रही है उसको यह महंगी पड़ सकती थी, इसलिए उसने थोड़ी
और हिम्मत की ताकि वह उस बच्चे को देख सके और वह थोड़ी और आगे जाने का फैसला कर लेती है। थोड़ी दूर जाकर जब वह वापस मुड़ी तो उसने देखा जंगल में घने पेड़ों के बीच दो लाल आंखें उसे देख रही हैं। ये देखकर एनी जोर से चिल्लाती है और भागने लगती है। भागते भागते उसकी कानों में अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई लगने लग जाती हैं, कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के हंसने की। किसी तरह एनी उस डेथ रोड से बाहर निकल आती है और होटल चली जाती है। इतना सब कुछ होने के बाद एनी को तसल्ली थी कि सब कुछ उसने कैमरे में कैद कर लिया है। उस रात एनी अपने कैमरे को टेबल पर रखकर सो जाती है। एक घंटे बाद एनी को फिर से वही अजीब करीब सी आवाज़ें सुनाई देने लग जाती हैं। जब उसने आंखें खोली तो वह सर कटा भूत उसके सामने खड़ा था। उसके हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ था। देखते ही देखते उस कैमरे में आग लग जाती है, जिसमें कैमरे में एनी ने सब कुछ रिकॉर्ड किया था। एनी की आंखों के सामने कैमरा जलकर राख हो जाता है और तभी वह भूत एनी के सामने से गायब हो जाता है। एनी यह देखकर इतना ज़्यादा घबरा जाती है कि वो बेहोश हो जाती है। सुबह जब एनी का दरवाज़ा नहीं खुलता है तो होटल वाले वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खड़खड़ाते हैं और वे खुद ही दरवाज़ा दूसरी चाबी से खोलते हैं। जब वो होटल वालों को सारी बातें सुनाती है तो होटल वाले हैरान हो जाते हैं, किंतु उन्हें तो ये सब पता ही होता है क्योंकि वो उस राज्य में ही रह रहे होते हैं। इसलिए उनको एनी की बताई हुई बातों पर धीरे धीरे यकीन आ जाता है। लेकिन जब ये बातें उसने सोशल मीडिया पर बताई तो किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया और सभी ने उसकी कहानी को झूठा ही बता दिया। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन आज भी डो हिल का यह रहस्य एक ऐसा रहस्य है जिसे लोग खुफिया रहस्य बताते हैं। हमें आशा है दोस्तों आपको ये कहानी इतनी अच्छी लगी होगी कि आपके रोंगटे खड़े हुए होंगे। इसलिए आज भी जब आप दार्जिलिंग घूमने जाओ तो डो लिंक जाने से पहले 1000 बार सोच लेना, क्योंकि आसपास के लोग आज भी बताते हैं कि डो हिल की कहानी सच्ची है और वहाँ पर अक्सर कई तरह के भूत देखे गए हैं और ये सर कटे भूत के बच्चे की कहानी भी सच्ची बताई जाती है। इसलिए आप गलती से भी वहाँ पर मत जाइएगा, कहीं एनी वाला हादसा आपके साथ ना हो जाए। उसने भी पहले यकीन नहीं किया था, किंतु उसके साथ जब ऐसे हादसे हुए तो उसको भी यकीन हो गया कि यह स्टेशन एक भूतिया स्टेशन है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको भी ऐसी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो आप हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर इस तरह की कहानियाँ आती रहती हैं। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ।